नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो क्लास के साथ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खोरठा भाषा के साहित्यकारों के जीवनी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं खोरठा भाषा में, उन सभी साहित्यकारों के जीवनी के बारे में जानना बेहद जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से साहित्यकार हैं। दोस्तों, आज जो पहला साहित्यकार का नाम है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इनका उपनाम क्या है? व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। और कौन से जगह में? विष्णुगढ़, जो हजारीबाग में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई थी ये भी जानना जरूरी है। मृत्यु हुई थी 17 सितंबर 1984 ईस्वी को। दोस्तों, इसके बाद और कुछ हम इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये अगला पॉइंट है, इनके जन्म के 6 महीने बाद पिता का देहांत हो गया था। दोस्तों, विष्णुदत्त शर्मा के पिता का देहांत इनके जन्म के 6 महीने बाद ही हो गया था। तो इनका लालन पालन पोषण इसके दादाजी के द्वारा किया गया। और इनके बारे में और अगला पॉइंट क्या है, इन्होंने गांधी जी के सिख पर हरिजन उत्थान के लिए एक विधवा स्त्री सुशीला के साथ विवाह किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी के प्रभाव में आकर उनसे सीख लेकर उन्होंने क्या किया, हरिजन उत्थान के लिए एक हरिजन स्त्री के साथ विवाह किया। वो भी एक विधवा स्त्री थी और उनका नाम क्या था? सुशीला। तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, 1930 ईस्वी में हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी से मिलने का मौका मिला और इनसे प्रेरित होकर साहित्य की ओर झुकाव हुआ। दोस्तों, 1930 में इनको जेल भेजा गया था, हजारीबाग जेल भेजा गया था। उसी दौरान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी से इनकी मुलाकात होती है और उन्हीं से इनको लिखने की प्रेरणा मिली और वहीं से उन्होंने खोरठा भाषा में अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। दोस्तों, अगला पॉइंट है, माखनलाल चतुर्वेदी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि और व्याकुल उपनाम दिया। दोस्तों, एक कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने इन्हें क्या कहा, राष्ट्रीय कवि और व्याकुल, जो इनके नाम में उपनाम जोड़ा हुआ है व्याकुल, ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट है, 1925 ईस्वी में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों, उस समय जब आज़ादी के लिए जंग आंदोलन हो रहे थे विभिन्न प्रकार के, तो उसी दौरान 1925 ईस्वी में ये गांधी जी के साथ शामिल होकर आंदोलन में शामिल हुए थे। दोस्तों, इसके बाद अगले रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं खोरठा भाषा के, उनका नाम है डॉक्टर ए के झा। दोस्तों, डॉक्टर ए के झा का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2013 में। और इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? चंडीग्राम, जो बोकारो जिले में स्थित है। डॉक्टर ए के झा के पिता का नाम लक्ष्मीनाथ झा, माता का नाम कुसुमबाला देवी था। ये सभी जितने भी साहित्यकार हैं उनके माता पिता का नाम जानना बेहद आवश्यक है और साथ ही साथ वो कौन से जगह में पैदा हुए थे, उनका जन्म स्थान भी जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? संत कोलंबा कॉलेज से विज्ञान से स्नातक किया। डॉक्टर ए के झा संत कोलंबा कॉलेज, जो झारखंड का सबसे प्राचीन सबसे पुराना कॉलेज है, प्राचीन नहीं सबसे पुराना कॉलेज है, तो संत कोलंबा वहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने और क्या क्या कार्य किए, महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे लेख लिखे और डायन बिसाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, डॉक्टर ए के झा ने बहुत सारे लेख लिखे, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, डायन बिसाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस कुप्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। दोस्तों, अगले साहित्यकार का नाम है श्रीनिवास पानूरी। दोस्तों, खोरठा भाषा के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सम्मानित साहित्यकार हैं श्रीनिवास पानूरी। इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो झारखंड सामान्य ज्ञान में भी पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 7 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था? शालिग्राम पानूरी। माता का नाम दुखनी देवी, पत्नी मूर्ति देवी। और इनका जन्म स्थान बरवादाग, जो धनबाद में स्थित है।
दोस्तों इनके बारे में और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इनको खोरठा भाषा का गाछ रुपैया कहा जाता है। गाछ रुपैया यानी कि पौधा लगाना, पेड़ लगाना, तो खोरठा भाषा का गाछ रुपैया यानी कि खोरठा भाषा को इन्होंने विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं श्रीनिवास पानुरी ने, इसलिए इनको खोरठा भाषा का गाछ रुपैया कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इनकी याद में 25 दिसंबर को खोरठा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर को, और इसी दिन खोरठा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, विश्वनाथ दसौंधी इन्हें खोरठा साहित्य का भीष्म पितामह कहते हैं। दोस्तों विश्वनाथ दसौंधी और एक प्रसिद्ध खोरठा भाषा के साहित्यकार हैं। ये श्रीनिवास पानुरी को क्या कहते हैं? खोरठा साहित्य का भीष्म पितामह। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों की रचना की। तो श्रीनिवास पानुरी ने जी ने 40 से अधिक खोरठा भाषा की रचनाएं इन्होंने लिखी, और बहुत काव्य भी लिखे और निबंध लिखे और बहुत सारी कहानियां भी लिखी। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले साहित्यकार का क्या नाम है। अगले साहित्यकार हैं कुमारी शशि। दोस्तों कुमारी शशि का जन्म 16 फरवरी 1964 को हुआ था। कहाँ? सलगावा में, हजारीबाग जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद, माता का नाम जयंती देवी, और इन्होंने इसके बाद हम देखते हैं इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो शिक्षा प्राप्त हुई थी 1979 में हायर सेकेंडरी की गांधी स्मारक उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट से। कुमारी शशि की जो शिक्षा प्राप्त हुई थी 1979 में हायर सेकेंडरी की गांधी स्मारक उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट में जो स्थित है। इन्होंने बीए किया था रामगढ़ कॉलेज से 1983 में, एमए किया था 1983 से 85 में, खोरठा भाषा में इन्होंने एमए किया था। और इसके बाद इन्होंने रांची वीमेन्स कॉलेज में 1989 से खोरठा प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। 89 से ये खोरठा भाषा के प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत हैं। तो इनको याद रखिएगा, कुमारी शशि रांची वीमेन्स कॉलेज में पढ़ाती हैं खोरठा भाषा। दोस्तों इसके बाद और एक अगले बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार का नाम है बी एन ओहदार। बी एन ओहदार यानी कि भोगनाथ ओहदार। भोगनाथ ओहदार का जन्म 1952 में हुआ था, रामगढ़ जिला चेटरगांव। इनके पिता का नाम था माधव ओहदार, माता का नाम था रूपा देवी, और खोरठा साहित्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बी एन ओहदार को खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है खोरठा साहित्य में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए। इन्होंने मुजफ्फरपुर से विज्ञान विषय से स्नातक किया और होम्योपैथी की भी डिग्री हासिल की। बी एन ओहदार ने क्या किया, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और होम्योपैथी की भी डिग्री इनके पास है। अगला पॉइंट है, कोठार गांव में इन्होंने खोरठा कमेटी का गठन किया जिसका नाम खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी है। तो ये भी याद रखना जरूरी है, इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा स्थापना की गई। तो बी एन ओहदार के द्वारा स्थापना की गई और ये कोठार गांव नामक जगह में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। हमने देखा आज के क्लास में विभिन्न प्रकार के साहित्य, विभिन्न साहित्यकारों के जीवनी के संबंध में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।